नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। जिन्हें नाज है हिंद के वो कहां है। वाकई आज हिंद के नाच करने वालों को खोजा जाए या ये बताकर कहा जाए कि दरअसल इस दौर में हिंद को लेकर जो 2014 की चुनावी बिसात बिछाई जा रही है उसमें कुछ नया ककहरा, कुछ नई परिभाषाएं गढ़ने की कोशिश भी की जा रही है। किसे उम्मीदवार बनाए, किस नारे को लगाए, किस जमीन पे खड़े हों, किसे विकसित माने, किसे भयभीत ना कहें, ये सारे सवाल हैं। आइए जरा टटोलने की कोशिश आज इसी रास्ते पर की जाए, क्योंकि हिंद पे नाज हर किसी को है। इस बात का जिक्र चुनाव में लगातार हो रहा है, इसीलिए दो सवाल सबके सामने हैं और उसमें एक सवाल मुस्लिम का है। मुस्लिम स्ट्रोक, मोदी का मुस्लिम स्ट्रोक, दो चेहरे स्क्रीन पर। इन दो चेहरों के जरिए बीजेपी का ये धर्म संकट है, इसे पहचानने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाकर गुजरात का कच्चा चिट्ठा रखने की कोशिश की, और दूसरी तरफ दंगे के आरोपियों के लिए टिकट की मांग भी बीजेपी में ही उठी। सवाल खाली ये है कि इस हिंद पर नाच करते हुए नारे लगाए जाए वो सही है, या सच में जिसे उम्मीदवार बनाया जाए और उन पर जो आरोप लगा हो उसे राजनीतिक करार देकर बात खामोशी के साथ नीचे छुपा दी जाए। दरअसल ये पहला मौका है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी बिहार के पूर्णिया में पहुंचे और उन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आश्रय बिहार और गुजरात के मुसलमानों के बीच की चौड़ी लकीर को बताना शुरू किया। जरा सुनिए चार अंदाज आपके सामने। बिहार में शहरी मुसलमानों में गरीबी की तादाद 45% है, और जिस गुजरात को गालियां दी जाती हैं वहां सिर्फ 24% है, आधे से कम। ग्रामीण मुसलमानों की गरीबी बिहार में 38% है, 38%, गुजरात में सिर्फ 7%। डूब मरो सेक्युलर के नाम पर मुसलमानों को बर्बाद करने वाले, डूब मरो। शहरी मुसलमान के द्वारा प्रति व्यक्ति मासिक खर्च बिहार में 550 रुपया और गुजरात में 875 रुपया मुसलमान खर्च करता है। ग्रामीण मुसलमान द्वारा प्रति व्यक्ति खर्च बिहार में 426, गुजरात में 670। मुसलमानों में श्रमिक रोजगारों की दर बिहार में 47 रुपीज है, गुजरात में 61 रुपीज है। मुसलमानों में साक्षरता बिहार में 42% है सिर्फ, गुजरात में 74% है भाइयों, 74%। दरअसल हिंद पे नाच करते हुए यह ना सोचिए कि 47 में दो देश बटे थे और इन सब के बीच अब प्रांत बटेंगे या राज्य बटेंगे। यकीनन आज़ादी के बाद से मुसलमानों को लेकर जो भी अध्ययन हुआ है, इस देश के मद्देनज़र हुआ। सच्चर कमेटी पहली बार राज्यों को खांचे में बांटते हुए मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक विकास का खाका सामना रखना चाहती थी। कांग्रेस आज़ादी के बाद से मुस्लिमों को वोट बैंक बनाकर काम कर रही थी क्या? और इस दौर में आते आते अब मुस्लिम शब्द तो नहीं कहती है, अब अमीर गरीब की बात कांग्रेस करती है। तो हमें लगता है मुस्लिमों के इस स्ट्रोक के हिस्से में पहुंचे उससे पहले जरा राहुल की बात सुन लीजिए। गरीबी और भ्रष्टाचार, कांग्रेस पार्टी गरीबों की सरकार चलाती है और पिछले 10 सालों में हमने 15 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला, गरीबी रेखा के ऊपर लाए, अधिकार की राजनीति की, इज्जत की राजनीति की, और हर गरीब व्यक्ति को हमने भोजन का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार दिया। बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं मगर उनको राजस्थान में, कर्नाटक में, गुजरात में भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। पिछली सरकार का रिकॉर्ड आप सब जानते हो, याद है या नहीं? बीजेपी की जो सरकार थी उसका रिकॉर्ड याद है आपको? भ्रष्टाचार में एक नंबर पे थे ये। सवाल इस देश में दरअसल मुस्लिम मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है, मुस्लिम स्ट्रोक कहा जाता है, मुस्लिम कार्ड कहा जाता है, मुस्लिम वोट बैंक कहा जाता है।
गुजरात में किसी मुस्लिम की नुमाइंदगी क्यों नहीं है, यह सवाल नरेंद्र मोदी से जब जब पूछा गया उन्होंने वहां के मुस्लिम आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, हमने माना ही नहीं, लेकिन एक सच यह भी है, आजादी के बाद पहले चुनाव में ही मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को रामपुर से टिकट दिया गया था, जिसका वो विरोध कर रहे थे कि मैं मुस्लिम की नुमाइंदगी नहीं, इस देश की नुमाइंदगी कर रहा हूं। तो आइए जरा इस आईन में झुक कर देखें और समझें कि दरअसल इस देश में मुस्लिम वोट बैंक का मतलब होता क्या है। मुस्लिम अगर वोट बैंक है तो फिर मुस्लिम को गुजरात और बिहार में बांटा नहीं जा सकता, और राजनीतिक हुनर में माहिर कांग्रेस का सियासी सच अब तक का तो यही है कि उसने आजादी के बाद से मुस्लिमों को राज्यों में नहीं बांटा। लेकिन पीएम की रेस में सबसे आगे दौड़ते भारतीय राजनीति के नए खिलाड़ी नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के मुसलमानों को गुजरात के मुसलमानों के हालात बताकर लुभाने का काम जरूर किया। गुजरात का सेकुलरिज्म सच्चा सेकुलरिज्म है, जो सबकी भलाई के लिए काम करता है, सबका साथ सबका विकास लेकर के चलता है। भारतीय जनता पार्टी ध्यान दे तो ये अपनी तरह का पहला मौका है जब बिहार के मुसलमानों को लेकर गुजरात के मुसलमानों से तुलना सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आईने में और किसी ने नहीं बल्कि मोदी ने की। इसका मतलब बहुत साफ है कि जिस लिहाज से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई उसमें पहली बार राजनीतिक समीकरण बीजेपी अपने अनुकूल देख रही है, वह भी गुजरात को लेकर। मुसलमानों के नवजात बच्चों की मृत्यु 1000 में 71 होती है, जबकि गुजरात में मुसलमानों में 1000 बच्चों में 1000 बालकों में सिर्फ 34 बच्चों की मृत्यु होती है। 5 वर्ष की आयु के बच्चे बिहार में 1000 में 100 मर जाते हैं, गुजरात में सिर्फ 50 मरते हैं। दरअसल राजनीतिक तौर पर देश में मुस्लिमों का यह संकट है कि उन्हें वोट बैंक के दायरे से कभी बाहर निकालकर देखा नहीं गया, और जातीय राजनीति ने मुस्लिमों के सामने न्यूनतम जरूरत पाने से लेकर सत्ता की मलाई खाने तक की स्थिति में वोट बैंक बने रहने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए देश के जिन 145 सीटों पर जातीय वोट बैंक के साथ मुस्लिमों का गठजोड़ सत्ता बनाता है वहां बीजेपी जीत नहीं पाती, और बंगाल, असम और कश्मीर के जिन 27 सीटों पर मुस्लिमों का एकाधिकार है वहां भी बीजेपी मायने नहीं रखती। बीजेपी देश की सिर्फ उन 18 सीटों पर चुनाव जीतती है जहां धर्म के आधार पर वोट बढ़ जाए और जातीय समीकरण के साथ गठबंधन का कोई आधार मुस्लिमों के साथ ना बने वहां बीजेपी जीत जाती है। असल में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इस मायने में महत्वपूर्ण है कि उसने भी राज्यों में बांटकर मुस्लिम समाज का अध्ययन तो किया, लेकिन इस बात का कभी जिक्र नहीं किया कि किस राज्य की गवर्नेंस के मद्देनजर मुस्लिमों को विकास से जोड़ा गया या उनके सामाजिक आर्थिक हालातों में और बेहतरी आई। राजनीतिक तौर पर ही मुस्लिमों का आकलन हर दृष्टि से हुआ, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी राजनीति की बिसात पर महज एक प्यादा बनकर रह गई, और यही बड़ी वजह है कि सच्चर कमेटी की पूरी रिपोर्ट देश के सामने आ नहीं सकी, जिससे मुस्लिमों को लेकर सरकारें क्या करती रही हैं या फिर राज्य सरकारों में कोई विकास का मॉडल मुस्लिमों को लेकर आया है या कभी किसी मुख्यमंत्री ने बेहतर गवर्नेंस के जरिए मुस्लिमों के हालात बेहतर और बेहतर किए हैं, इसका आकलन इस देश में हो नहीं पाया है। और बीजेपी के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि यूपी, बिहार, बंगाल की कुल 162 सीटों में से 98 सीटें सीधे सीधे मुस्लिम प्रभाव वाली हैं, और मोदी का मुस्लिम प्रेम का दाव भी इन्हीं सीटों को लेकर है। ऐसे मोड़ पर मोदी का मुस्लिम बखान 2014 के जनादेश में क्या असर दिखाता है, इसका इंतजार तो करना पड़ेगा। लेकिन ये एक नई तरह की सियासत है कि पहली बार मुस्लिमों को अलग अलग प्रांतों के नजरिए से देखने की बात खुले तौर पर देश के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की जा रही है। आज तक ब्यूरो। दरअसल बिहार यूपी एक ऐसी जगह है जहां वोट पावर देखा जाता है, और माना यही जाता है कि एकमुश्त वोट एक धारा में बहते हुए या तो मुस्लिम वोट बैंक या समुदाय की तरफ से या फिर दलित, इसके अलावा बिखर जाती हैं परिस्थितियां, और बिखरी हुई परिस्थिति में समाज में अपने आप को कद्दावर मानते हैं, उसमें एक यादव भी आता है, वह भी वोट पावर उसकी बड़ी मजबूत है, एकमुश्त वोट एक साथ पड़ते हैं। लेकिन सवाल चूंकि मुस्लिम स्ट्रोक का था तो आइए उसके आईन में जरा समझना होगा। इस देश में 47 के दौर में जो दंगे हो रहे थे वो स्थिति होते होते इस देश में बार बार सियासी बिसात पर दंगे ही मोहरों का काम करते रहे, तो क्या यह माना जाए कि यूपी में जो दंगे जिले दर जिले होते चले गए और मुजफ्फरनगर में जो हुआ उसके बाद उन दंगों की आग सुलगती रहे, इस दृष्टि से उम्मीदवारों का चयन होगा? रिपोर्ट देखिए। कलेजे पर हाथ रखकर खुद जो भी बातें हमने रखी
जो भी मन में सवाल पैदा होते हैं आप पूछ लेना, कभी भी यहां गड़बड़ होगा, कहीं यदि हम लोगों के पार्ट पर भी कोई गलती और चूक हुई होगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं हम शीश झुकाकर अपना सिर झुकाकर हम क्षमा मांग लेंगे। एक तरफ मुसलमानों से माफी मांगने की पेशकश, दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी विधायकों को टिकट देने की प्लानिंग। सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी में ये हो क्या रहा है। कुछ दिनों पहले बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने यह कहकर मुसलमानों के करीब जाने की कोशिश की थी कि अगर हमारी तरफ से कोई गलती हुई है तो हम माफी मांगने को तैयार हैं। लेकिन राजनाथ सिंह के बयान के ठीक उलट आज उनकी पार्टी उन चारों विधायकों को लोकसभा टिकट देने का मन बना रही है जिन पर मुजफ्फरनगर में दंगा भड़काने का आरोप है। बीजेपी की यूपी इकाई की मांग है कि संगीत सोम, हुकुम सिंह, सुरेश राणा और भारतेंदु सिंह को लोकसभा का टिकट मिले। कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी 13 मार्च को इस पर फैसला भी लेने वाली है। जो दंगों के पोस्टर बॉय है, चाहे वो श्री कल्याण सिंह हो, चाहे कटियार हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे ऋतुम्बरा हो और चाहे अब मोदी हो, ये पहले से ही जो पोस्टर बॉय रहे हैं, जो दंगों में शामिल लोग हैं, उसी परंपरा में इन चार विधायकों को टिकट देने की ये कोशिश कर रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश में पहले से ही खराब जो बिगड़ा हुआ माहौल है उसको और खराब कर सके और वोटों का संप्रदाय के आधार पर ध्रुवीकरण हो सके। हम आपको बता दें कि यूपी बीजेपी ने इन सभी आरोपी विधायकों का आगरा की रैली में सम्मान भी किया। ये बात अलग है कि नेताओं के सम्मान के समय मोदी मंच पर मौजूद नहीं थे। आज तक ब्यूरो। तो सवाल नाज हिंद पर करते हुए यही रुक जाने का नहीं है, सवाल यह है कि इस देश में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर मोदी जो मुस्लिम स्ट्रोक लगा रहे हैं उनके लिए कौन सी सीट है। यह बड़ा मुश्किल सवाल हो चला है कि दरअसल पीएम पद का उम्मीदवार किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। बनारस, लखनऊ, सिर्फ गुजरात में, उत्तरी अहमदाबाद, गांधीनगर, क्या करे वो। आइए जरा इस रिपोर्ट को देखें क्योंकि सीट दो है, उम्मीदवार चार है। जब यूपी की दो सीटों पर चार नेताओं की नजर है तो फिर लहर किसकी है और असर किसका है यह सोचने की बात है। बनारस सीट मुरली मनोहर जोशी की सीट है लेकिन मोदी यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लखनऊ लालजी टंडन की सीट है लेकिन राजनाथ सिंह यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो फिर जोशी और टंडन यह सीट छोड़ना क्यों नहीं चाहते और मोदी गुजरात से बाहर यूपी की किस सीट से चुनाव लड़ेंगे यह सच खुले तौर पर बीजेपी के भीतर हर कोई कहने से हिचक क्यों रहा है। ध्यान दें तो अगले 72 घंटे तक यही सबसे बड़ा सस्पेंस है और रहेगा भी कि मोदी गुजरात के बाहर यूपी की किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब यह माना जा रहा है कि 13 मार्च को यूपी की सीटों के उम्मीदवार का ऐलान होगा तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ की सीटों का भी ऐलान होगा। और दरअसल ये एक नारा बड़ी वजह है, बनारस के इस नारे ने ही मोदी को बनारस की सीट पर लड़ने के लिए उकसाया। लेकिन बीजेपी के भीतर बनारस को लेकर दो राय है। पहली, मोदी बनारस से लड़े तो समूचा पूर्वांचल बीजेपी का होगा, यानी 17 सीट पर सीधे सीधे वोटर बटेंगे और लाभ बीजेपी को होगा। दूसरा, बनारस की हवा बिहार की हवा से मिलती जुलती है तो जातीय समीकरण में उलझा भोजपुर का इलाका भी मोदी की हवा में बहने लगेगा, यानी बिहार के जातीय समीकरण कुछ सीटों पर टूटेंगे जो तकरीबन 10 सीट है। यानी लखनऊ की तुलना में बनारस मोदी के लिए सबसे मुफीद है, लेकिन यहीं से मोदी का वाजपेयी सरीखा होने का नॉस्टैल्जिया जागता है। और मोदी लखनऊ की सीट से लड़े तो वाजपेयी के हुनर, वाजपेयी की राजनीतिक कौशलता को मोदी अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो मोदी को लखनऊ से चुनाव लड़ना चाहिए, इससे समूचे यूपी में संकेत जाएगा कि गुजरात की तर्ज पर मोदी ने यूपी को भी राजनीतिक तौर पर आत्मसात कर लिया। कोई चाहता है मोदी वाराणसी से चुनाव लड़े तो गुजरात से चुनाव लड़ने की वकालत करने वालों की भी कोई कमी नहीं। मोदी खामोश हैं लेकिन जोशी अड़ गए हैं। तय है कि जो मोदी चाहेंगे वही होगा, लेकिन जोशी के अड़ने से पार्टी में एक ऐसी फांस पैदा हो गई है जो किसी के लिए न निगलते बन रही है और ना ही उगलते। तो बनारस और लखनऊ दोनों के ही मौजूदा उम्मीदवार मुरली मनोहर जोशी और लालजी टंडन मोदी के लिए सीट खाली करने को तैयार हैं, लेकिन जैसे ही एंट्री राजनाथ सिंह की होती है वैसे ही ये बिसात बदल जाती है। राजनाथ सिंह के लिए लालजी टंडन लखनऊ की सीट खाली करने को तैयार नहीं, मोदी के लिए कर सकते हैं। वहीं मोदी की हां के बगैर मुरली मनोहर जोशी बनारस से हटने के लिए तैयार नहीं, यानी राजनाथ कहें तो वो तैयार नहीं। जाहिर है बनारस लखनऊ की बिसात में
राजनाथ एक ऐसे मोहरे के तौर पर सामने उभरते हैं जिसमें बीजेपी का अध्यक्ष होने के बावजूद यूपी के दूसरे बीजेपी के कद्दावर नेता राजनाथ के लिए न सीट खाली करने को तैयार है न ही उनकी बिसात पर चलने को तैयार है। तो आखिरी सवाल, बीजेपी के भीतर अब यही हो चला है कि मोदी बीजेपी का बेड़ा पार कराकर सत्ता तक पहुंचाने का मंत्र बन चुके हैं, तो फिर राजनाथ भी मोदी को ढाल बनाएंगे और मुरली मनोहर जोशी से लेकर लालजी टंडन तक भी मोदी मंत्र जप कर ही अपनी सीट बचाना चाहेंगे। लेकिन बीजेपी दो सीटों के चक्कर में यह भूल गई कि अगर पीएम पद के उम्मीदवार मोदी की सीट को लेकर यूपी में उलझन बढ़ेगी तो मुद्दा भी खिसक कर मोदी का ही हो जाएगा, जो वोटों का ध्रुवीकरण करेगा नहीं बल्कि पुराने हालात की तरह यूपी की सियासत में मुलायम और मायावती दो मजबूत खिलाड़ी बनकर उभर जाएंगे और इनके समीकरणों को भेदने के लिए जरूरी है वोटों का ध्रुवीकरण जो बीजेपी के पक्ष में हो। लेकिन मोदी मुद्दा बने तो सवाल यही उठेगा कि लहर है तो फिर संकट क्या है और असर है तो फिर चिंता क्या है। लेकिन संयोग देखिए, फिलहाल बनारस या लखनऊ को लेकर संकट भी है और चिंता भी है। आज तक ब्यूरो, कश्मकश तो है बीजेपी में। मोदी 543 सीट पर लड़ रहे हैं, मोदी 272 सीट पर लड़ रहे हैं, या मोदी दो सीट पर लड़ेंगे। बहरहाल बीजेपी के भीतर मौसम गर्म है लेकिन कश्मीर बेहद ठंडा है। यात्रा कर लीजिए आखिर में दस्तक के। अचानक बर्फ पड़ी है रात को, जबकि पहली बार में देखा हो कि मार्च में पहली बार बर्फ पड़ रही है। बारिश थी है लेकिन बर्फ का चांस नहीं था, इसलिए बर्फ गिर गया तो सर्दी काफी बढ़ गई। श्रीनगर में करीब 4 इंच जो है बर्फ सड़कों पर जमा है, जबकि पहाड़ी इलाकों में 1 से 2 फुट बर्फ जो है जमा हो गई है।